आज आपके आले की विधि से ग्राफ बना रहा है, तो ग्राफ बनाने का सबसे सरल तरीका इसको और आगे ले चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखो आपको ऐसे दो समीकरण आएंगे, एक तो समीकरण नंबर एक और एक समीकरण नंबर दो। पहले लेंगे हम समीकरण नंबर एक, क्या लिखेंगे बताओ? समीकरण नंबर एक से। और दूसरा समीकरण नंबर वन से। लेंगे हम समीकरण नंबर एक से। बताओ लिखो पहली कौन सी है, क्या नाम है? ओ एक्स प्लस वाई बराबर नियम बताया था हमें क्या करना है, इस साइड में या तो रखना है x या रखना है y, बाकी नंबर हम उधर भेज दो। देखो यहाँ सिंगल y है, किसको भेज दो? दो, मतलब इधर छोटा रखो उधर बड़ा भेज दो, तो इधर क्या रह जाएगा? y। ये मतलब इधर प्लस बदल जाते हैं, माइनस का कितना सिंगल रह जाएगा। ऐसे रहते हम बनाएंगे टेबल, क्या बनाओगे? कितने मान निकालने? धीरे बोलो, x का और y का तीन तीन मान ज्ञात करने, थोड़ी देर। देखो अब क्या करें, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ कोष्ठक लगाएंगे कितनी बार? तीन बार। कितनी बार लगाएंगे? तीन बार। y बराबर 6 माइनस 2 कोष्ठक, y बराबर 6 माइनस 2, y बराबर 6 माइनस 2 कोष्ठक। अब आपको किसमें मान रखना है? कोष्ठक में। किसमें मान रखना है? कोष्ठक में। देखो अगर ऐसे सिंपल है, आपकी मर्जी आए तो कोई भी मान रख सकते हो, मर्जी आए तो मान रखो। जैसे मैंने रख दिया 0 1 2, हमने ये मान किसकी जगह रखा? एक्स की जगह। किसकी जगह रखा? एक्स वाले डिब्बे पर। तो पहले लिखा 0, फिर लिखा 1, फिर लिखा 2। हमें ये करना है, अगर ऐसे सिंपल आता है तो मन मर्जी से कोई सा मान, मन मर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप 50, 100, 200 रख दो, मान रखना है जो सुटेबल हो, मतलब लिमिट में। आप पहली समीकरण हो गए, आप कौन सी लेंगे? समीकरण दो लेंगे, तब क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर दो से। अब तो दूसरी है, क्या नाम है? 2x - y + 2 बराबर। अब हमें क्या करना है, इस साइड में या तो रखना है x या रखना है y, बाकी नंबर को पीछे पहुंचा दो। अब देखो कौन सा, 2 को भी भेज दो और चाहे तो y को भी भेज दो, चाहे तो 2 को, मतलब मत ये इसको। देखो यहाँ छोटा कौन है? y के तरीके में दोनों को उधर भेज दो, क्या रहेगा? y माइनस का y रह जाएगा। देखो ये 2 उधर जाती किसका होगा? और ये 2x भी उधर जाती किसका होगा? माइनस का 2x, और ये 2 भी किसका हो जाएगा? माइनस का, दोनों माइनस के जाएंगे। देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सबके चिन्ह क्या कर दो? चेंज कर दो सबके, समय माइनस का बाद है, बताओ ये किसका हो जाएगा? ये भी किसका? प्लस का। और ये भी किसका? प्लस का। ऐसे करने से कोई फर्क नहीं। अब बताओ सिंपल आ गए, अब बनाएंगे, क्या बनाओगे? टेबल बनाओ, ये इधर बनाएंगे, किस किस का मान निकालना है? एक्स का और वाई का। कितने मान निकालने? तीन मान निकालने। सिंपल आ गया, जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ क्या लगाएंगे? कितनी बार? तीन बार। y बराबर 2 कोष्ठक प्लस 2, y बराबर 2 कोष्ठक प्लस 2, y बराबर 2 कोष्ठक प्लस 2। कोष्ठक में मान रखना है, वही मर्जी है जो रखो, क्या लिखोगे? 0 1 2। हमने ये मान किसकी जगह रखा? x वाले डिब्बे ऊपर दो, कितना है? 0 1 2। आप देखो यहाँ तो हमने y का मान निकाला ही नहीं, y का मान नहीं निकाला था ना, यहाँ पहले y का मान निकालना है मेरे उस वाले डिब्बे में, कोई बात नहीं है। इनको हल करोगे तो कितना मान आएगा? y का। देखो 6 का तो 6, 2 को 0 से गुणा किया तो 0, कितना आएगा? 0। 0 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। अब यहाँ देखो 2 एक 2, 6 में से 2 घटाओगे तो 4, 4 छका तो 6, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया तो 2, ये मान किसका आया? y का। पहले आया 6, फिर आया 4, फिर आया 2। अब
यहाँ देखो वाई एक्स का मान आ गया, किसका लेना है? वाई का। सॉल्व करोगे किसका मान आएगा? वाई का। देखो ध्यान दो, दो को जीरो से गुणा किया, जीरो, जीरो में दो जोड़ा, दो एक दो, दो चार, दो दुनी चार, चारों दो छह, किसका मान आया? पहले आया दो, फिर आया चार, फिर आया छह, बन गई दोनों, एक तो बन गई। इस वाले समीकरण की तो ये है और इस वाले समीकरण की ये है, ऐसे तो आपको टेबल बनानी है। अब सिंपल इसको ग्राफ पे दर्शाना है। देखो दोनों ही मान किसके? आपके दोनों में प्लस के, किसमें? तो आपको देखो जो ग्राफ पेपर बनाना है केवल किसके मान लिखने? प्लस प्लस वाले, माइनस वाले लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मान माइनस में है ही नहीं, चाहे तो लिख दो एक और डिजाइन के लिए। अब देखो क्या करना है, अब ये मान को याद दर्शाना है। पहली टेबल ये थी, x का मान कितना? जीरो। y का मान कितना? जब x का मान जीरो है तो बिंदु कौन से x पर आएगा? y x पर। कौन से x पर आएगा? y x। और जब y का मान जीरो होता है बिंदु कहाँ आता है? आता है y। देखो x का मान कितना? जीरो। सबका जीरो यहाँ होता है। y का मान कितना? कैसे चलेंगे? ये तो जीरो और ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा। x का मान कितना? y का मान कितना? ये x का मान एक इधर प्लस में और इधर माइनस में, इधर प्लस में और इधर माइनस में, ये x। और y का मान कितना है? इधर से एक के सामने और इधर से चार के सामने, यहाँ आ जाएगा। इधर से तो एक के सामने और इधर से चार के सामने। y का x का कितना? दो। y का भी कितना? दो। दो देखो x का तो ये दो और y का भी ये, इधर से भी दो के सामने और इधर से भी दो के सामने, यहाँ से भी दो के सामने, यहाँ से भी एक पॉइंट, एक पॉइंट, एक पॉइंट, तीनों पॉइंटों को क्या करेंगे? किसकी सहायता से? ये देखो यहाँ तीनों को मिला दो, ये मिला दिया तीनों को, ऐसे मिलाना है स्केल से, मिला दिया ऐसे लगा दो तीर के निशान, लग गया, इनको बाद में दर्शाएंगे अभी। तो ये आगे टेबल, ये टेबल भी यहाँ बनानी है। बताओ x का मान कितना है? जीरो। y का? दो। दो। तो x का जीरो यहाँ होता है? यस। y का दो कितना आएगा? ऊपर। ये रहा दो। नियम बताया हुआ है? x का मान जीरो है तो बिंदु कहाँ आएगा? y x पर। अगे y x पर। अब x का मान कितना? y। y का मान कितना? चार। x का मान एक और y का मान चार। यहाँ आ जाएगा पहले वाले बिंदु पर। एक और चार का x का मान कितना? दो। y का मान कितना? छह। ये रहा दो और ये रहा छह। इधर से दो के सामने और इधर से छह के सामने, यहाँ आ जाएगा। आ गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया और एक हो गया। इनों को क्या करो? मिलाएंगे स्केल की सहायता से। मिलाओ, मेरे बोलो यार, ये देखो मिलाओ, है ना, ऐसे स्केल की सहायता से क्या करना है इसको? मिला दो। तो आज के बिल्कुल ग्राम में जाएगा, बिल्कुल सही आएगा। एक तीर का निशान ये और एक तीर का निशान ये। अब बताओ ये दोनों बिंदु कहाँ पर कटे? कहाँ पर कटे? चार। x का मान कितना है? एक। y का मान कितना है? चार। x का मान तो है एक और y का मान कितना है? चार। उत्तर आ गया अपना, x का उत्तर कितना? एक। y का उत्तर कितना? चार। आगे तो आता है x और पीछे आती है y, जहाँ पर दोनों लाइनें कटेगी वहां पर आपका क्या आएगा? उत्तर आएगा। अब जो बाकी के निर्देशांक थे वो भी लिखो। बताओ यहाँ के निर्देशांक कितने थे? इधर से तो कितना था? दो। इधर से भी कितना? दो कोमा दो, दो। यहाँ के इधर से तो कितना था? दो। जीरो। और यहाँ कितना था? दो। आगे एक्स आएगा पीछे जाएगी, यहाँ के लिखो इधर से तो कितना था और इधर से कितना था? जीरो छह। और यहाँ का बचा इधर से कितना था? दो। इधर से कितना था? दो और लिख दिया। अब इस लाइन बताओ ये लाइन कौन से समीकरण की थी? ये वाली पहले की थी, दूसरे की थी? सेकंड की। मतलब क्या नाम है? दो एक्स माइनस वाई प्लस दो बराबर जीरो। और इस वाली लाइन की कौन सी समीकरण थी? क्या नाम बताओ? दो एक्स प्लस वाई बराबर बन गया। अब लिख दो पैमाना, पैमाना लिख सकते हो? x अक्ष पर एक सेमी बराबर एक इकाई, y अक्ष पर एक सेमी बराबर एक इकाई। उतारो, देखो इसका थर्ड क्वेश्चन, इसको भी ऐसे करना है।
वही दो समीकरण है, ये तो समीकरण नंबर एक और ये समीकरण नंबर दो। ये तो समीकरण नंबर एक और ये समीकरण नंबर दो, ऊपर वाले दो नीचे वाले। आप भले कौन सी लेंगे? समीकरण नंबर एक से। अब धीरे बोलो यार, चलिए क्या नाम है? एक्स माइनस दो वाई बराबर छह। हम क्या इधर याद रखना है एक्स, या रखना है बाकी नंबर पीछे भेज दो। इधर क्या रखो? एक्स रख लो। क्या आएगा? छह माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का कितना? जैसे आ गया, क्या बनाएंगे? बनाओ टेबल। कितने मान चाहिए? एक्स का और वाई का, एक्स का और वाई का चाहिए तीन मान। अब देखो ध्यान दो, जहाँ जहाँ वाई लिखा हुआ है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे? कितने बार? तीन बार। मैंने पहले बताया मान दो बार निकालोगे तभी उत्तर आएंगे, तीन बार निकालोगे तभी उत्तर आएंगे। पहले एक्स बराबर छ प्लस दो कोस्टर, एक्स बराबर छ प्लस दो, एक्स बराबर छ प्लस दो कोस्टर। कितने बार लिखेंगे? तीन बार। अब नीचे कोई नंबर है नहीं, किसमें मान रखना है? मर्जी आएगी आपको? जीरो एक दो, जीरो एक दो। अब ये किसकी जगह लिखा? वाई वाई, वाई वाले मान को क्या लिखा? जीरो एक। अब किसका मान चाहिए? हल करोगे किसका मान आएगा? छह का तो दो को जीरो से गुणा किया तो छह और जीरो छह। देखो हमारे पास क्या है? थोड़ा मान पड़ा। देखो छह में दो जोड़ोगे कितना हो जाएगा? आठ। और छह में चार जोड़ोगे कितना हो जाएगा? मान लो आपको मान बड़ा नजर आ रहा है तो क्या करेंगे? प्लस की जगह किसका रख दो? माइनस का एक रख दो और माइनस का ताकि मान क्या देंगे इससे छोटे। प्लस के रखोगे तो उत्तर सही आएगा, लेकिन हमारे ग्राफ में जगह कम पड़े तो हम किसके कर देंगे? माइनस की। ये माइनस का एक और ये माइनस का छह का तो छह, एक एकम सॉरी दो एकम और माइनस प्लस बताओ छह में से दो गया तो चार, दो दुनी माइनस प्लस छह माइनस चार कितना बच गया? हमने ये मान किसकी जगह रखा? और एक्स का मान है कितना? छह है चार है, ये कितना है? दो है। अब आप किसका मान, आप कौन सी समीकरण लेंगे? समीकरण दो। क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर दो से। अब जो क्या नाम है? तीन एक्स माइनस छह वाई बराबर जीरो। इधर याद रखना है एक्स, या रखना है वाई, बाकी नंबर उधर। देखो यहाँ पर एक छोटा सा काम कर सकते हो, सब में किसका भाग जा रहा है? तीन का बाद देखे समीकरण को क्या कर सकते हो? छोटी बना सकते हो, अन्नी बनाना चाहो जैसे कर लो। बताओ छह वाई को भेज दो उधर, इधर तो कितना है? तीन है। बताओ छह वाई इधर माइनस उधर जाते किसमें जाएगा? प्लस का छह और जीरो में जोड़ोगे तो छह वाई रहे, हो गया। अब इधर तो केवल एक्स रखना है, वाई रखना है, गुणा है तो एक्स बराबर छह वाई बटा तीन का बाद दो, इसमें कितनी बार? एक्स बराबर कितना आया? दो है। अब बनाएंगे टेबल, क्या बनाओगे? टेबल। कितने मान चाहिए? तीन। किसका? एक्स वाई का, एक्स का और वाई का, वाई का। अब जहाँ पर वाई लिखा है वहाँ पर क्या लगाएंगे? कितनी बार? तीन बार। ये तो लिखो कितना एक्स बराबर दो कोष्टक, एक्स बराबर दो कोष्टक, एक्स बराबर दो कोष्टक। अब मान रखे जीरो एक दो, किसकी जगह रखा? और वाई वाले को पहले रखा जीरो, फिर रखा एक, फिर रखा दो। किसका मान चाहिए? हल करो किसका मान आएगा? दो को जीरो से बना दिया, दो एक दो दुनी चार, किसका मान आया? जीरो आया, दो आया और निकल गया दोनों के मान। दोनों टेबलों का दर्शन है ग्राफ में। तो ध्यान से समझो इसको भी। पहले नंबर वन टेबल, एक्स का मान कितना? वाई का मान कितना? जीरो। वाई का मान जीरो आया, बिंदु कौन से एक्स पर आएगा? एक्स अक्ष पर। वाई एक्स का मान कितना है? प्लस में कितना आएगा?
ये अक्षर, इस छह पे आ जाएगा वाई का मान कितना है? जीरो है। एक का मान कितना है? वाई का मान कितना? एक का मान चार किधर है? तेरह। वाई का मान माइनस का एक किधर है? नीचे। ये चार के सामने और इधर से एक के यहाँ, ये रहा एक और ये रहा चार। एक का मान कितना है और वाई का मान कितना है? ये रहा एक्स का मान दो और ये रहा माइनस दो। इधर से दो के सामने और इधर से भी दो के सामने यहाँ आ जाएगा पॉइंट। मतलब आपको लगभग लगभग आपका जो ग्राफ है उसमें सही बनेगा, ठीक है ना? बताओ क्या करेंगे, तीनों पॉइंट मिल गए, तीनों को मिला दो स्केल की सहायता से। और आज तुम्हारी स्केल भी स्पेशल है, ये मिला दो इधर, ये पॉइंट यहाँ तुम्हारे ग्राफ में बिल्कुल सही है। मिल गया, इधर भी लगा दो तीर का निशान और इधर भी लगा दो तीर का निशान। बन गए पहले। अब सेकंड वाली, एक्स का मान कितना? जीरो। वाई का भी कितना? जीरो। दोनों का जीरो जीरो, दोनों का जीरो जीरो कहाँ आता है? ये आता है जिसे को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? यहाँ आए दोनों का, यहाँ आ गया। अब एक्स का मान कितना? वाई का मान कितना? प्लस में ये रहा दो, ये रहा एक, इधर आएगा दो के सामने और इधर से एक के सामने। अब एक का मान कितना? वाई का मान कितना? दो। ये रहा चार और ये रहा दो, यहाँ दो। क्या करेंगे तीनों को मिला दो, मिलाओ मिला दो, सही सही मिलानी है ताकि गलती नहीं हो। ये यहाँ आ जाएगा पॉइंट में, आपकी ग्राफ में बिल्कुल सही आएगा, ये तो कहे कि इसमें बना हुआ है। अब बताओ दोनों लाइनें मिल रही है क्या? नहीं, नहीं मिल रही है। कैसी लाइनें हैं? कैसी रेखाएं हैं? तो अगर लाइनें मिलेगी नहीं तो उत्तर आएगा ही नहीं। हो सकता है, देखो वैसे लगभग लगभग नहीं मिलनी चाहिए आप किताब में, देखो देखे क्या रहा है उत्तर, नहीं मिलनी चाहिए। ग्राफ में बिल्कुल सही बनेगा। निर्देशांक लिख देंगे, बताओ यहाँ एक्स का मान कितना था? दो। वाई का मान माइनस दो। एक्स का मान कितना था? चार। और वाई का मान कितना? माइनस। क्या रहा है उत्तर? कोई नहीं आ रहा, कोई उत्तर नहीं आएगा। दोनों लाइनें कैसे आएगी? समांतर। और समांतर दोनों लाइनें एक बार मिलती है तो कितना उत्तर आता है? एक। बार बार मिलती है तो अनेक उत्तर, कभी मिलेगी नहीं तो उत्तर आएगा ही नहीं, तो कोई उत्तर नहीं है। अब देखो यहाँ एक का मान कितना? छह। वाई का मान कितना? दोनों का मान कितना है यहाँ पर? जीरो कोमा जीरो। यहाँ देखो एक का मान कितना? दो। वाई का मान कितना? एक का मान कितना? वाई का मान कितना? रख दिया। मतलब ऊपर वाली लाइन कौन से समीकरण के लिए? बताओ कितनी है? तीन एक्स माइनस छह वाई बराबर जीरो। नीचे वाली लाइन कौन सी थी? ऊपर वाली, क्या नाम बताओ? एक्स माइनस दो वाई बराबर छह। आ गया। अब क्या लिखना है? ए माना लिख दोगे? उतारो। देखो रेखा समांतर है, मतलब क्या लिखोगे? कोई हल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि रेखाएं क्या है? रेखाएं या तो नहीं मिल रही है या क्या है आपके? समांतर। समांतर रेखाएं, तो कोई उत्तर नहीं आता। देखो ये आपके क्वेश्चन नंबर फोर, वो भी सेम ऐसे ग्राफ बनाना है आपको। कौन सी विधि का प्रयोग करना है? आलेख की विधि। अब देखो सबसे पहले दो समीकरण है, ये तो है समीकरण नंबर एक और ये समीकरण नंबर दो। पहले कौन सी लेंगे? एक। बताओ क्या लिखोगे? समीकरण नंबर एक। समीकरण नंबर एक से क्या नाम है? एक्स प्लस वाई बराबर चार। इधर क्या तो रखना है? एक्स या रखना है? बाकी नंबर उधर भेजो, दोनों में से किसी को भेज दो, यहाँ को दोनों सेम है कर दे, जिसको भेजो एक्स बराबर चार माइनस वाई। जैसे आ गया, क्या बनाओगे? टेबल। कितने मान निकालोगे? एक्स का और वाई का। अब देखो ध्यान दो इधर, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ क्या लगाओगे? यहाँ क्वेश्चन मत लगाओ, यहाँ तो जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि अकेली है वाई को। अगर इसके साथ कोई गणितीय नंबर होता तब क्वेश्चन लगाना पड़ता है, बाकी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं। क्या लिखोगे? एक्स बराबर चार माइनस एक्स बराबर चार माइनस एक्स बराबर चार माइनस। कितनी बार?
तीन मान, तीन मान चाहिए। वाई की जगह मान रखना है, मर्जी आए जो जीरो एक दो, ये लो जीरो एक दो, कोई से भी लिख दो तुम्हारी इच्छा पड़े जो। किसकी जगह रखा? वाई वाई की जगह पढ़ दो, जीरो एक दो। अब किसका मान चाहिए? बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा? किसका मान आया? चार आया, तीन आया और दो आया। अब कौन सी समीकरण लोगे? समीकरण कौन सी लोगे? क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर दो से, दो एक्स माइनस तीन वाई बराबर इधर आप वैसे भेज दो, तुम्हारी मर्जी आई जो माइनस वाली संख्या को कष्ट भेजो ताकि मैं दिक्कत नहीं आए। ऐसे कोई से भेज सकते हो आप, तीन वाले को भेज दो, दो एक्स बराबर तीन, माइनस का किसमें जाएगा? प्लस का। अब किधर केवल एक सी रखना है, दो भी किधर जाएगा? नीचे जाएगा। बताओ गुणा है तो किसमें जाएगा? एक्स बराबर तीन प्लस दो तीन वाई बटा दो। बनाएंगे टेबल, क्या बनाओगे? कितने मान चाहिए? तीन, एक्स का और वाई का। अब तो कल भी ऐसी पोजीशन आई थी, जब भी बटे में संख्या आ जाए जांच बोले तो जहाँ जहाँ वाई लिखा है वहाँ क्या लगाओगे? पोस्टर, क्योंकि वाई के साथ नंबर आ रहा है। कितने बार लगाओगे? लगाओ, क्या लिखोगे बताओ? एक्स, एक्स बराबर तीन प्लस तीन कोष्टक बटा एक्स बराबर तीन प्लस तीन कोष्टक बटा एक्स बराबर तीन प्लस तीन कोष्टक बटा कितनी बार? तीन बार। अब देखो क्या करना है, पहले क्या करना है, जहाँ जहाँ वहाँ लिखा है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे? मान लिखेंगे। अब जैसे बटे में नंबर आ जाए तो बताया था पहला मान सोच कर बाकी मान जोड़ कर, पहला मान सोच कर बाकी मान जोड़ कर। हम यहाँ ऐसा मान रखना है ताकि इसको हल करने पर उसमें दो का पूरी पूरी बार भाग जाए। ऐसा मान रखो, इस पूरे को हल करो तो इसमें किसका भाग जाएगा? दो का जाना चाहिए। पहले शुरुआत कैसे करते हैं? जीरो, अगर यहाँ जीरो रखे तो जीरो को तीन से गुणा करोगे क्या आएगा? और जीरो में तीन जोड़ोगे तो बताओ तीन में दो का भाग जाएगा क्या? जीरो नहीं रख सकते, एक रखा तो तीन को एक से गुणा किया तो, और तीन में तीन जोड़ा तो समय दो का भाग जाएगा। पहला मान जोड़ कर पहला मान सोच कर बाकी मान जोड़ कर, पहले लिखो कितना? सोच कर, अब लिखना है जोड़ कर। एक में दो जोड़ा तो तीन, तीन में दो जोड़ा तो पांच, समझ आ गई बात? पहला सोच कर बाकी जोड़ कर। अब किसकी जगह रखा? वाई की जगह, वाई वाले मान पर पहले कितना रखा? एक, तीन, पांच। अब किसका मान चाहिए? एक्स का, हल करो बताओ। देखो तीन का तो तीन, तीन एक का तीन बटा दो, तीन और तीन बटा दो भाग दो तीन, तीन का तो तीन प्लस तीन दिया बट्टा दो, नौ तीन बट्टा भाग दो छः। जैसे मान लो कि तुम्हें लगे कि मान ज्यादा आ रहा है तो प्लस की जगह किसके कर दो? माइनस के कर दो, तब आपको उत्तर सही आएगा। अब तो देखो यहाँ प्लस के रेंट उत्तर डाल दो, तीन का तो तीन प्लस पांच भी कितना हो गया? बट्टा कितना? दो, पंद्रह और तीन अठारह, बट्टा दो भाग दो नौ। बताओ किसका मान आया? पहले कितना? तीन, छह, देखो सबसे बड़ा मान कितना गया? नौ। थोड़ा ग्राफ में बढ़ा देंगे मियां, पहले यहाँ कितना आएगा? सात, और यहाँ कितना आ जाएगा? आठ, और यहाँ कितना ले लेंगे? नौ। अगर हम मान लो कि आप ग्राफ छोटा पड़ रहा है तो फिर क्या कर देंगे? प्लस की जगह मान किसके कर देते? अब दोनों टेबल दर्शा नहीं हुआ, पहले एक दर्शा। एक्स का मान कितना? वाई का मान कितना? जीरो। मतलब कौन से एक्स पर आएगा? एक्स एक्स पर आएगा तो वाई का मान कितना है? जीरो। एक्स का मान चार, वाई का मान जीरो, ये रहा चार, जीरो है तो मतलब ये एक्स का मान कितना है? तीन। वाई का मान कितना है? एक। एक्स का मान कितना है? तीन। वाई का मान कितना है? एक। ये रहा तीन और ये रहा एक, इधर से तीन के सामने और इधर से एक के सामने सामने। एक्स का मान कितना है? दो। वाई का भी कितना है? दो। ये रहा दो और ये रहा दो,
इधर से दो के सामने और इधर से भी दो के सामने मिला तो तीनों को किसके द्वारा मिला मिला चाहो इसके उसको मिला कैसे मिला मिल गया तीर का निशान लगा दो और क्या लगा दो तीर का निशान लगा दो आ गया ना अभी एक और बनानी है बताओ ये वाला एक्स का मान कितना है तीन वाई का एक ये रहा एक्स का तीन और ये रहा वाई का एक आएगा यहाँ पर आएगा पहले वाले पॉइंट ये ठीक है ना क्योंकि दोनों सेम एक्स का मान कितना है छ वाई का मान कितना है तीन ये रहा एक्स का छह और ये रहा वाई का तीन इधर से छह के सामने और इधर से तीन के सामने यहाँ लग जाएगा पॉइंट अब एक्स का मान कितना है वाई का मान कितना है पाँच एक्स का ये रहा नौ और ये रहा पाँच यहाँ पर इधर से नौ के सामने और इधर से पाँच के सामने यहाँ लग जाएगा पता चला इधर क्यों नहीं लिखा नौ क्योंकि नौ किसका था केवल वाई का मान नौ है नहीं लिखने का कोई आवश्यकता ही नहीं मिला दो तीनों को किसकी सहायता से स्केल की सहायता से ये लो मिला दिया एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ आप ग्राम में बिल्कुल सही बताओ दोनों लाइनें क्या कर रही है काट रही है कितनी बार कितना उत्तर आएगा जहाँ काटी वहाँ उत्तर आएगा बताओ एक्स का मान कितना है इधर तीन वाई का मान कितना है बताओ एक्स का उत्तर कितना है वाई का उत्तर कितना है बाकी रामायण तुम लिख सकते हो उतारो